सीसीपी ऑफिस के सामने दिन दहाड़े डकैती की बड़ी वारदात। मोटरसाइकिल सवार गन पॉइंट पर मनी चेंजर से 1.5 करोड़ लूट कर उड़न छू। गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ गाड़ी रुकवाई, कैश छीन कर फरार हो गए। वारदात मनी चेंजर्स जीशान और जुनैर के साथ हुई। पुलिस सरबरा के ऑफिस के सामने फायरिंग करते हुए रफू चक्कर। पीछे से बाइक वाले आए हैं 2 125 पे, उन्होंने आकर रोका आगे, तो उन्होंने इशारा किया कि रुक जाएं, फिर बोल्ड मारा है, बोल्ड मारकर उन्होंने दरवाजे को लॉक किया कि खोलें, हमने नहीं खोला। जब नहीं खोला ना, उसने 2-3 दफ़ा किया, फिर उस साइड पे आया, उसने आकर फायरिंग की है, उसने सीधा बोल्ड मारा है कि पाँव के आगे लगा। शुक्र है कि हमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद लॉक खुला है, वो बैग उठाया, बैग उठाकर तो वो इशारे की तरफ चले गए। जराइम कंट्रोल करने के दावे हवा में उड़ गए। शहर भर में कत्ल, डकैती की वारदातों में होशरुबा इजाफा। जनवरी से अब तक 15 अफराद डकैती मजाहमत पर कत्ल हुए। 84 थानों के हदूद में 2974 वारदातें हुई। खातीन को भी माफ ना किया गया। रवासार 716 कीमती मोबाइल फोन छीन लिए गए। बहनों को जायदाद से हिस्सा मांगने पर मौत की नींद सुला दिया। शादबाग में सौतेले बेटों की खून की होली, दो बहनें और मां कत्ल कर दी। संगदिल बेटों की फायरिंग से तीसरी बहन शदीद जख्मी, हॉस्पिटल में जेर इलाज। मकतूला के शौहर असगर को भी 20 रोज कबल जायदाद के तनाजे पर कत्ल कर दिया गया। वारदात के बाद मुबैना मुलजिम हैदर, भाई वक्कास, मलिक आमिर और सजावल मफरूर। म्यू अस्पताल में जेरे इलाज राबिया का ऑपरेशन मुकम्मल, सर्जिकल वार्ड मुंतकिल। गोली लगने से बहुत ज्यादा खून बह गया था, मजीद ब्लड की जरूरत है। अस्पताल इंतजामिया, भाई ने फायरिंग करके तीनों को कत्ल किया। जख्मी राबिया का पुलिस को बयान, वजीर अला पंजाब का नोटिस, सीसीपीओ से रिपोर्ट तलब। मकतूलीन के सरों पर गोलियां मारी गई, खातीन का कत्ल खानदानी तनाजिया है। SP मास की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू, पुलिस ने जाय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी का अहम किरदार कैसर अमीन बट गिरफ्तार। चेयरमैन पैरागॉन को नैब की टीम ने सिंध के एक गांव से पकड़ा। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के हकीकी मालिक बाअसर सियासतदान हैं। बाअसर अफराद ने मेरे साथ भी धोखा करके अपने शेयर्स में इजाफा किया। कौमी एहतसाब ब्यूरो के पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। नैब में आखिरी पेशी पर होशुबा इंकशाफात, कैसर अमीन वादा माफ गवाह बनने पर भी तैयार थे। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी का जबरदस्ती मालिक बनाने की कोशिश की जा रही है। नैब गिरफ्तार पहले करता है, सबूत बाद में तलाश किए जाते हैं। मेरे खिलाफ कुछ बंदे ढूंढकर वादा मुआफ गवाह बनाने की कोशिश हो रही है। आज जो PP और नून लीग के साथ हो रहा है, कल वैसा ही PTI के साथ होगा। ख्वाजा साद रफीक, पैरागॉन केस में दोनों भाइयों की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 26 नवम्बर की तौसी। आशान इकबाल हाउसिंग स्कैंडल, मुलजिम फवाद हसन फवाद और राहत चीमा समेत 5 मुलजिमान का 15 रोजा जुडिशल रिमांड, जेल मुंतकिल। मुलजिमान को 29 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। सरकारी महकमों में आग लगी या लगाई गई, जिम्मेदारों के खिलाफ घेरा मजीद तंग होने लगा। पंजाब में आतिशबाजी के तमाम वाकयात पर नैब से रिपोर्ट तलब की गई है। इंक्वायरी ट्रिब्यूनल ने नैब को DG ऑपरेशन से रिकॉर्ड मांग लिया। सेनेट की दो नशिस्तों पर इलेक्शन के लिए मैदान कल सजेगा। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पंजाब असम्बली में होगी। पंजाब असम्बली का कार्ड होना लाजिम। पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी आयद। तहरीक इंसाफ के वलीद इकबाल का नून लीग के साउद मजीद से मुकाबला। खवातीन की नशस्त पर सीमिया जदी और नून लीग की सारा अफजल तारड़ आमने सामने। सियासी जोड़ तोड़ आखिरी मराहल में नून लीग और PTI क्यादत ने सर जोड़ लिए। ऑडियो लीक स्कैंडल में इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद करार। गवर्नर और वजीर अला पंजाब का बाहमी दोस्ताना ताल्लुकात का इकरार।
चौधरी सरवर कहते हैं, मेरे और वजीर आला के दरमियान रत्ती भर भी इख्तलाफ नहीं, हम एक पेज पर हैं और इमरान खान की टीम बनकर काम कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार बोले, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, हम एक खानदान की तरह और मुतहद हैं। अराकीन असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू, सेनेट इलेक्शन और पार्टी अमूर पर भी तबादला ख्याल। फयाजुल हसन चौहान की तोपों का रुख पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ, डिक्शनरी में करप्शन लिखें तो आसिफ जरदारी का नाम सामने आएगा। अकामा की छतरी तले मनी लॉन्ड्रिंग की जाती रही, सुबाई वजीर तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नून लीग के मुशाहिदुल्ला हप्पे कुटनी करार, मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। फयाजुल हसन चौहान के बयान पर पीपल्स पार्टी रहनुमा बरहम। हसन मुर्तजा कहते हैं, पीटीआई ने गैर इखलाकी जुबान बंद ना की तो कच्चा चट्ठा खोल देंगे, बेनामी औलाद से लेकर रेहम खान की किताब के किस्से आवाम के सामने लाएंगे, वज़रा हुकूमत की कश्ती में सुराख कर रहे हैं। PP 168 जिमनी इलेक्शन, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक असद खोकर के कागजात नामजदगी मंजूर, नून लीग के उम्मीदवार राणा खालिद कादरी के कागजात भी मंजूर, हल्के के अवाम मुझ पर एतमाद करेंगे, शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, मलिक असद खोकर की गुफ्तगू। जी तो मुझे यकीनी नजर आ रही है क्योंकि मैंने हल्के का विजिट किया है और जिसको नून लीग का गढ़ कहा जा रहा था वो हल्का इतना पसमानदा है, ना डेवलपमेंट है, ना सीवरेज सिस्टम है, ना साफ पानी है, तो लोग इतने बदजन हैं कि वो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान तरीके इंसाफ बड़े भारी मार्जिन से कामयाब हो। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन हुसैन नवाज और इसहाक डार का नाम ईसीएल में शामिल करने से मुतालिक केस, नवाज शरीफ मरियम नवाज कैप्टन सफदर का नाम ईसीएल में शामिल हो चुका, हुसैन और हसन नवाज का नाम वतन वापसी पर ईसीएल में शामिल किया जाएगा, वजारत दाखिला का हाईकोर्ट में जवाब, समात 15 रोज के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म की खुशनूदी हासिल करने के लिए एलडीए की फुर्तियां, कवानीन पामाल, टेंडर्स खुलने से कबल ही मुसाफिर खानों का तामीराती काम शुरू, रेलवे स्टेशन के करीब पनागा पर भारी मशीनरी से काम जारी, मुसाफिर खाने की तामीर के लिए टेंडर कल खोला जाएगा, शेल्टर होम की राजी, सूबाई हुकूमत और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मलकियत है। खैबर पी के इंजीनियर्स की तर्ज पर तनख्वाहें दो, डॉक्टर्स और टीचर्स के बाद अब इंजीनियर्स भी सड़कों पर, महकमे नहार के दफ्तर से चेयरिंग क्रॉस तक रैली, पंजाब असेंबली के सामने धरना, नारेबाजी, टेक्निकल अलाउंस देने का मुतालबा, मुतालबा तस्लीम ना होने पर कलम छोड़ हड़ताल की धमकी। शाहीन एयरलाइन के मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज, पायलट्स, एयर होस्टेस और कैबिन क्रू समेत दीगर अमले का प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा, मुलाजमीन को उनका हक दिलवाने के लिए चीफ जस्टिस सोमटो एक्शन लें, तनख्वाहें ना मिलने से घर के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, कैप्टन नमान समेत दीगर अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैरिज ग्रांट 15,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये मुकर्रर, मुलाजमीन की वफात पर तजहीज़ व तकफीन के लिए फंड्स 10,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये, बनालेंट फंड को 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया, वज़ीर आला पंजाब ने बनालेंट फंड की शरह में इजाफे की मंजूरी दे दी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने महकमा तालीम के अहकाम नज़रअंदाज कर दिए, दो माह गुजर गए, भट्टा मजदूरों के बच्चों का डेटा ताहाल अपलोड ना किया जा सका, महकमा स्कूल एजुकेशन ने मामले का नोटिस ले लिया। ANF का मुनशियात के खिलाफ बड़ा इकदाम, करोड़ों रुपए की मुनशियात आग लगाकर जला दी गई, शराब की हजारों बोतलें बलडोजर चलाकर तल्फ, 598 किलो हिरवन, 5,848 किलो चर्स, 248 किलो अफ्यून, शराब की बोतलें, 61,043 मार्फिन के टीके और 1,095 किलो भंग तल्फ। करप्शन मौशे का नासूर करार, नैब के जेर एहतमाम अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में करप्शन के अनवान से शायरी का मुकाबला, मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा की भरपूर शिरकत, सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत,
बोले करप्शन के खात्मे का अज़्म कर रखा है। कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक मुल्क से करप्शन खत्म ना हो। बच्चों को मोबाइल फोन देना उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। स्कूल्स में बच्चों के लिए खेलों के मौके बढ़ाना चाहते हैं। ज़ियाबती से बचाव के लिए शौर पैदा करने की जरूरत है। स्कूल हेल्थ सर्विस का नया निसाब बना रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का चुगताई लैब की तकरीब से खिताब। अच्छी खुराक और वर्जिश मामूल बनाएं, ज़ियाबतीस जैसे मर्ज से निजात पाएं। ज़ियाबतीस से बचाव के आलमी दिन पर शहर के 6 बड़े अस्पतालों में आगाही वॉक और सेमिनार। सीनियर डॉक्टर्स की जानिब से शुरका को खुसूसी लेक्चर्स। डाइट कंट्रोल और एहतियाती तदाबीर से बीमारी पर काबू पाया जा सकता है, तिब्बी माहरीन का मशवरा। एंटीबायोटिक का फायदा कम नुकसान ज्यादा। यूसीपी में वर्ल्ड एंटीबायोटिक वीक का तीसरा रोज तिब्बी माहरीन के तलबा को एंटीबायोटिक के फायदे और नुकसान से मुतालिक लेक्चर्स आगाही वॉक का भी एहतमाम किया गया। मेयर बॉलिंग ब्रूक रोजर्सी क्लार्क की टाउन हॉल आमद। मेयर लाहौर की जानिब से मेहमानों का इस्तकबाल फूल पेश किए। रोजर्सी क्लार्क बोले लाहौरियों की मेहमान नवाजी मिसाली है। पाकिस्तान पर अमन मुल्क है, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं। नए तलबा को खुशामदीद। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में फोटो मोन्टाज का इनेकाद। यूईटी सेशन 2018 के तलबा ने 2018 की तस्वीर बनाई। यूईटी मीडिया सोसाइटी के तहत फोटो मोन्टाज में 1300 तलबा की शिरकत। हॉकी वर्ल्ड कप के लिए 18 रुकनी कौमी हॉकी टीम का ऐलान। 18 रुकनी स्क्वाड की कप्तानी रिजवान सीनियर करेंगे। कौमी हॉकी टीम 21 नवंबर को भारत रवाना होगी। और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बूंदाबांदी, सर्दी की शिदत बढ़ गई। शहर का दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। दर्जा हरारत के साथ स्मोग में भी कमी। वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला कल दोपहर तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात।